नमस्कार अर्गस रो बिग ब्रेकिंग को स्वागत करछु मु चिन्मय दर्शक बंधु परी हत्या घटना रो लगातार अपडेट आमे आपन को दे आसुछु एवं जपर्यंत परी को न्याय न मिलछि ये लढाई अर्गस रो जारी रहबो यार भितरे आ एक खबर आसी पहुचुछि जे वर्तमान हाई कोर्ट रे परी हत्याकांड को नै कि आ एक मिस केस दायर करा जैछि एवं ए मिस केस को दायर करिछन्ति भारतीय विकास परिषद रो राज्य सभापति सुरेंद्र पाणिग्राही दायर करुछन्ति एवं से कोन दायर करथिबा जे मामला दायर करछन्ति तादरे कोन उल्लेख करा जैछि सतरे उल्लेख करा जैछि जे वास्तविक वर्तमान अभियुक्त सरोज सेठी को संदेह करी गिरफ करूची क्राइम ब्रांच एवं यार भितरे वर्तमान रिपोर्ट आसी पहुंचुची जे सरोज सेठी रो रक्त सह परीर फ्रॉक रे लागीथिबा सीमेंट वर्तमान मेळ खाउ नाही जहा फळरे की कोठिना कोठी सरोज को बकरा बना जाउची एवं सरकार को चाप रे जाई की वर्तमान सीबीआई बा क्राइम ब्रांच सरोज सेठी को गिरफ करीची ए घटना से उल्लेख करचंदे एवं या सहित आउ एक कथा मध्य से मामला रे दायर करचंदी जे वास्तविक भाव रे वर्तमान सुधा परीर परिवार तंको मा जो मानको नारे अभिजोग आनुचंती सेमानको आज पर्यंत तदंत परिसरभुक्त करा गला नाही जहा को नै से आउ एक मामला दायर करचंदी पूरा घटना कौन रही एवं वर्तमान जितेबले फोरेंसिक लैब को पठा जाइतिला सीमेंट सहित सरोज सेठी रो वर्तमान रक्त मेळ खाउनी तापरे रिपोर्ट आसीबा परे तदंत वर्तमान केउ आडे जिबो ए संपर्क रे आलोचना करबा हम सहित जोडी होइचंती आईएनजीबी सरोज पाणिग्राही निजे जोडी होइचंती सुजुक्त पाणिग्राही आपनको स्वागत एवं आपनटु प्रथमे जानबा को चाहिबे जे वास्तविक बारे वर्तमान जितेबले रिपोर्ट आसुची एवं रिपोर्ट आधार रे आपन कोन आशा रखिचंती तदंत केउ आडे जिबो मुख्य प्रकाश प्रेस मीट रे जे सरोज सेठी नामक एक नाबालक छात्र से परी को मृत्यु परे दुष्कर्म करी मारी देइछन्ति तेनो से दुष्कर्म करथिया जबो से परी रो गाउन रे सीमेंट लागिथिबा एवं जो 50 मीटर जी वायर मध्ये सेतरे अखापेक सब जाक एफएसएल को दिया जायतिला एफएसएल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी आ 14 तारिख तक ता रिपोर्ट प्रकाश करिसथि जे सरोजर कोन सहित रक्त किमा सीमेंट मेलक हेउ नाही एथिरु षष्ठ भाग प्रतिपादित होउची जे एसआईटी मुख्य शासक दल बिजु जनता दल प्रभाव रे आसी एक सरोज साहू एक हरिजन माइनर छात्र को बकरा बनाई निजर स्वार्थ पाई बोल कि जहा कि गत काली श्री बत्रा को एडीजे प्रमोशन करा जाए पोस्ट को एवं आम माननीय हाईकोर्ट मठारे प्रार्थना करा जाए कि जे परीर माँ बारंबार टीवी माध्यम एवं खबर कागज एवं पुलिस डिपार्टमेंट नयागढ़ एसपी आईआईसी एसडीपीओ एवं एसआईटी मुख्य बत्रा को से अभियोग करदेह कर बाबुली नायक एंड अदर जो मान अच्छा परिसरभुक्त जांच को अणा जाऊ कि आज पर्यंत जो मानक सन्देहमुक्त सन्देहयुक्त करीर पितामाता आज पर्यटन से मानक जांच कराए तेणु आम मानव हाइकोर्ट एक प्रार्थना भी है जे से जांच कराए पॉलीग्राफ टेस्ट करा एवं जदि राज्य सरकार केंद्र सरकार भारतवासी ओडिशा को जदि परिवृत्ति न्याय दिया जाए ताले सीबीआई रे जांच करा जाओ किंतु बिना दोषी को बिना संदेहकारी को नयागढ़ पुलिस कंतु एसआईटी तदंत परिसर भुक्त करिसंदी ये होची टोटल बेनियम एवं एथिरु स्पष्ट भाव करा जाउची जे सरोज को निरीह निष्पाप एक माइनर छात्र को बकरा बना जाइछि केवल राजनीतिक तप द्वारा
निश्चित भाबरे पाणिग्राही एक कथा मध्ये पूरा क्लियर होउची जे आपण जानिथिबे जो बळी भाबरे मंत्री अरुण सांगको ना सामना को आसिला एवं ऑडियो मध्ये वायरल हेला जेतेबळे तांको नारे परिवार अभिजोग आणुची ऑडियो वायरल होउची सामना को एते सब घटना आसुची एवं जहां को से फोन माध्यम रे कथा होचंती सरपंच निजे सौम्य रंजन से मध्ये स्वीकार करिसंती जे अरुण साहू तांको एबळी धमकपूर्ण फोन करथिले फोन कॉल रे धमक देउथिले ये सब घटना आसिबा परे आज पर्यंत तांको पदटिया मध्ये पचला गला नाही कोटना कोटी सरकार घटना को घंटो गड़ेबा को चेष्टा करचंती ये तो पूरा क्लियर आ सरोज को बकरा बना जाउची ताकू हैरान करा जाउची। हां निश्चय एतर संद केवल माननीय मंत्री अरुण साहू एतर मध्ये संदेह मुक्त नो से भी एही माने कॉन्स्पिरेसी रे जड़ित आछन्ते तांको विरुद्ध रे 120 रे मामला रुजु करिया कथा तांको मध्ये तदंत परिसर भुक्त करिया कथा अरुण साहू को नले गोटे साधारण सरपंच को ट्रेनिंग देवा उचित कौन मान आवश्यकता कौन थी एवं से बाबुली नायक किए से सहित संपर्क कौन ए सब जगह जानते आसा कथा कहीं ओडिशा पुलिस नौ ना एथु स्वास्थ्य भाग ओडिशा पुलिस कहतु जे एस आई टी मुख्य विरुद्ध कपाल चाप अच्छी शासक दल तेणुक सी सरोज साहू एक हरिजन माइनर छात्र को से केवल पकड़ा बन केस माने तदंत को अंपटे बुले मानते बुलेवाई निश्चित भाव में श्रीजुक्त पाणिग्राही जो कथा कह बास्तविक भाव में सरोज जेहेतु गोटे गरीब घर पिला ताको बकरा बना जाऊँ हैरान करा एवं ताको बड़ी पका जाऊँ किंतु सबुठ गुरुत्वपूर्ण कथ हूँ जानते जे एस आई टी हाईकोर्ट को मॉनिटर नुहे एक निजे कोर्ट कहते किंतु परिवर्ते सब व्यवस्था नियम रही सत्वे सरकार कहीं एस आई टी को तदंत भार देखते एस आई टी तदंत भार नहीं जे मुख्य अरुण बोथ्रा ना के अभोग आसूँ जानते जो भाई भाव में ट्विटर कथा को लेकिन से कि जे युवक को गाड़ी गुलज करुते ये घटना को आसला सरकार एत सब अभोग आसूरी ये घटना को चापीबा को चेष्टा करदंतर दिग को पटबारणा करने चेषा कर निश्चय देखो अरुण बत्र जो प्रकार प्रेस मीट सर से कही समस्त मानने खुशी करीरामचंद्र भगवान श्रीरामचंद्र समस्त की खुशी करना बर्तमान गोटे प्रश्न हूँ प्रति ये से क्या खुशी करतमान से खुशी करवल राज्य सरकार को से जिले में जी मानने विजु जनता दल आम चाहू क्या खुशी करने जहाँ सत लोकलोचन को आसू जी दोषी सी दंड पाओ कि खुशी कर आवश्यकता कौटी आपड़ जो गादी गादीर बसुंट से खुशी कथा आसूची कौटी जोटा सत्य से आपंकर कर्तव्य आगे सब तो फिका ना आप प्रथम आपंकर निजर दायित्व को बुझंतु तापर खुशी कथा चिंता करेंगे गोटे पटे अगर को खुशी खुशी करने को घटना को चाप पकाउं घंट गड़ाऊँ ये कौन क्या खुशी करने कर्म कराए कि देखो सीआरपीसी धारा अनुजाई अरुण बत्रा वर्तमान पुलिस रे नहांती सी हूं वर्तमान ओएसआरटी सर एमडी तेणु प्रथम से लोक भ्रम माने जटाई जोड़ा कि एक्स डीजी प्रकाश मिश्रा एवं कांग्रेस विधायक वरिष्ठ आईनजीवी नरसिंह मिश्रा जनई जेहेतु यहाँ हूँ बेनियम एवं बर्तमान सुधा हाईकोर्ट समर्थ दे कौन सी जज निजुक्ति दि जाए कि सुपारिश कर ये टोटल ओडिशा वासी की वर्तमान राज्य सरकार केवल समय एवं से जो शासक दल नेता मैंने जो मैंने प्रकृत मरण करेप कर अंग प्रत्यंग को से बिक्री करवाई ही लोक से वर्तमान नवीन सरकार जमी बर्तमान एवं कहले प्रत्येक दुर्नीतिगत सरकारी कर्मचारी एम एल ए मानक आम नियम नियम 1956 मसीह रोचे सर्विस कोड में लिखाई बर्तमान से आप लोकायुक्त कही आदर्श से रूल करना लोक को फकुआ बनाऊंट जमी पैंडेमिक ये टाइम प्रत्येक सरपंच को कोरोना टाइम जिलापाल क्षमता देने अरे 1965 जो ग्राम पंचायत आईन बोली लिपिबद्ध से महामारी को कंट्रोल ने जहाँ खर्च करें एरिया भितर इलाका भितर तेणु प्रत्येक ये मानने
ଲୋକଙ୍କୁ ମୂର୍ଖ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀକୁ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଟାଇମ୍ ଅଛନ୍ତି। ଏ କେସ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯଦି ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀକୁ କରିକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାର ଅଛି ତାହେଲେ ସିବିଆଇ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ କିଭଳି ଭାବରେ ସରକାର ଆଙ୍ଗୁଠି ପରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଗେଞ୍ଜି ଚାଲିଛନ୍ତି, ସତକୁ ଘୋଡ଼ାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୋଷୀକୁ ସବୁବେଳେ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆପଣ କ'ଣ ଆଶା ରଖୁଛନ୍ତି, କାରଣ ପୁଣି ଆପଣ ଥରେ ମିସ୍ କେସ୍ ଦାୟର କରୁଛନ୍ତି, ଏହାରି ଭିତରେ ଯାହା ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି ବାସ୍ତବିକ ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ତଦନ୍ତ ହେବ ତ? ନିଶ୍ଚୟ ଆସାମରେ ରଖିଛୁ, ଆମର ଆସନ୍ତା 12 ତାରିଖରେ ଯୋଉ ହାଇକୋର୍ଟରେ କେସ୍ ଅଛି, ଆଉ ନୂତନ ଭାବେ ଯୋଗ କରିଥିବା ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟ ନ୍ୟାୟାଧୀଶ ଆସିବା ପରେ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ସୁପାରିଶ କରିବେ, ଏଥିରେ ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିଲେ ଖୋଦ ଆଇନଜୀବୀ, ଯିଏକି ପୁଣି ଥରେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ପରୀ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ମାମଲା ମିସ୍ କେସ୍ ଦାୟର କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଆମ ସହିତ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଆଲୋଚନା କଲେ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସିଏ ଯାହା ଓପିନିଅନ୍ ଦେଉଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏତିକି କହୁଥିଲେ ଯେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ଯେଉଁ ନିୟମ ରହିଛି, ଯିଏ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଉଛି ତାଙ୍କର ଯାହା ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସତ କ'ଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ସରୋଜ ସେଠୀ ଆସିଲା କେଉଁଠୁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରହିଛି, ସରୋଜ ସେଠୀ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଛି ବୋଲି ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଥିଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତାକୁ ଯେଉଁ ଆଧାରରେ ଗିରଫ କରିଛି, ତାପରେ ସିମେଣ୍ଟ ସହିତ ତାର ରକ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଳ ଖାଉ ନାହିଁ, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସରୋଜ ସେଠୀ ଏଠି ଦୋଷ ମୁକ୍ତ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ସରୋଜ ସେଠୀକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବକଳା ବନାଯାଉଛି, ତାକୁ ହଇରାଣ କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିବା କଥା ସରକାର ସେଠି କରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହା ନିୟମ ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାଠୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଯାଉଛନ୍ତି ସରକାର। ଏବଂ ଯେହେତୁ ନିଜର ଶାସନ ଚାଲିଛି, ନିଜର ଶାସନ କଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟଣାକୁ ଚାପିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କୁନି ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୋଠି ନା କୋଠି ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉଛନ୍ତି। ସମୟ ସରିଛି, ଆଜିର ବିଗ୍ ବ୍ରେକିଂକୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।